hello friends welcome to my channel learning made easy now this is a continuation of bade bhai sahab question and answers so this is part two if you have not watched my part one i'll be putting that link in the description box okay so i was explaining the fourth question and i had reached almost the last line so i had stopped there saying that bade bhai sahab ki इस समझने की नई योजना के कारण उनके सामने सर झुकाकर खड़ा था सो so, छोटे भाई वॉज़ एक्चुअली बोइंग हिज हेड डाउन सर झुकाकर ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बड़े भाई आफ्टर लिस्निंग टू वॉट ऑल एडवाइस ही हैड गिवन आज उसे सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था ना केवल उम्र उम्र से बल्कि मन से भी और भाई साहब के लिए उसके मन में इज़्ज़त और भी बढ़ गई सो नॉट ओनली एज वाइज बट ऑल्सो फ्रॉम फ्रॉम द हार्ट इट्सल्फ छोटा भाई हैड स्टार्टेड फीलिंग दैट येस आई एम यंगर टू हिम आई हैव टू रेस्पेक्ट हिम आई हैव टू ओबे हिम इज़्ज़त और भी बढ़ गई इज्जत मीन्स वट एवर रेस्पेक्ट ही हैड फॉर हिज बड़े भाई इट हैड इंक्रीज मोर नाउ के आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दीज थिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ़ फिफ्टी टू सिक्सटी वर्ड्स बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताई बताइए वी हैव टू गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ बड़े भाई साहब बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे ओके ही वॉज़ अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन हमेशा किताबें खोल कर बैठते बैठे रहते थे ही वॉज ऑलवेज ही वॉज ऑलवेज सीन कीपिंग हिज बुक्स ओपन इन फ्रंट ऑफ है ओके ही वॉज ऑलवेज लर्निंग समथिंग स्टडींग समथिंग रीडिंग समथिंग दिन रात कठिन परिश्रम करते थे एंटायर डे एंड नाइट ही वॉज ही वॉज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट परिश्रम चाहे उन्हें समझ में आए ना आए वे फिर भी एक एक अक्षर को रट लिया करते थे वेदर ही अंडरस्टूड समथिंग और नॉट ईच एंड एवरी वर्ड ही वॉज़ बाय हार्टिंग अपने बड़े होने का उन्हें एहसास है ही हैड द फीलिंग दैट ही हैड ही न्यू दैट यू नो दैट येस आई एम बिग इसलिए वह छोटे भाई को तरह तरह से समझते हैं सो ही कुड अंडरस्टैंड हिज यंगर ब्रदर वेरी वेल अपने कर्तव्य के लिए वे अपनी बहुत सी इच्छाओं को दबा देते थे वट एवर विश वट एवर इच्छा बड़े भाई हैड ही यूज़ टू सप्रेस देम बिकॉज ही न्यू दैट आई आई एम रिस्पॉन्सिबल ओके फॉर माई यंग ब्रदर आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ हिम छोटे भाई को किताबी ज्ञान से हट कर अनुभव के महत्व को समझते थे और कहते थे कि उनके रहते वह कभी गलत रास्ते पर नहीं चल पाएगा सो बड़े भाई यूज़ टू से छोटा भाई दैट यू हैव टू यू कैन नो गेट अ नॉलेज अबाउट लाइफ ओनली फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड नॉट फ्रॉम योर बुक्स एंड आल्सो स्टॉप्स हिज छोटा भाई फ्रॉम गोइंग इनटू गलत रास्ता रॉन्ग पाथ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े भाई साहब ने ज़िंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से के, किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ वॉट एव आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट विच इज गिच गिवज यू मोर नॉलेज अबाउट योर

देकर बड़े भाई साहब कहते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हो ज़िंदगी के अनुभव के आगे बेकार है वॉट एवर बिग डिग्री यू हैव इट इज़ बेकार इट इज़ वेस्ट इन फ्रंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस जिंदगी की कठिन परिस्थितियों का सामना अनुभव के आधार पर सरलता से किया जा सकता है कठिन परिस्थितियाँ मीन्स डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज और सिचुएशंस कैन बी फेस्ड सामना कैन बी फेस्ड सरलता से इजिली ओनली थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस ओके दिस इज द एंड ऑफ सिक्स क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन सेवंथ वन बताइए पार्ट के किन अंशों से पता चलता है कि सो अ लाइन विल बी गिवन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द लेसन कैन यू फील दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट वन छोटा भाई बड़े भाई का आदर करता था आदर मीन्स रेस्पेक्ट छोटा भाई हैड रेस्पेक्ट फॉर हिज बड़े भाई फ्रॉम विच पार्ट ऑफ चैप्टर कैन यू से दिस इज द क्वेश्चन आंसर छोटे भाई को पतंगबाजी का नया शौक हो गया था और अब उसका सारा समय पतंगबाज़ी में ही गुजरता था छोटा भाई हैड स्टार्टेड हैविंग अ न्यू शौक और न्यू न्यू यू नो लाइकिंग फॉर पतंगबाज़ी फ्लाइंग काइट्स एंड नाउ ही वॉज स्पेंडिंग ऑल हिज टाइम इन फ्लाइंग काइट्स फिर भी वह भाई साहब की इज़्ज़त करता था और उनकी नज़रों से छिप कर ही पतंग उड़ाता था बट ही हैड रिस्पेक्ट ऑफ फॉर हिज बड़े भाई एंड ड्यू टू विच ही यूज़ टू हाइड फ्रॉम बड़ा भाई छिप कर ही यूज़ टू हाइड एंड फ्लाई काइट्स मांझा देना कन्ने बाँधना पतंग टूर्नामेंट की तैयारियाँ ये सब काम भाई साहब से छुप कर किया जाता था वट एवर यू नो Tayyariya means whatever preparations he was doing for his game, for uh, patang tournament, kite flying tournament and all. He was doing everything hiding from his big brother because he had fear of his big brother and also respect. Next, bhai sahab ko zindagi ka hai. Bade bhai had a lot of experience about life. फ्रॉम विच पार्ट ऑफ चैप्टर कैन यू से दैट भाई साहब का अपने कर्तव्यों के लिए अपनी इच्छाओं को दबाना छोटे भाई को जीवन के अनुभव पर उदाहरण देना यह सब दर्शाता है कि भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है सो भाई साहब को भाई साहब थिंकिंग अबाउट हिज कर्तव्य बड़े भाई थिंकिंग अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्रेस्ट ऑल हिज विशेज वन फ्रॉम दैट यू कैन अंडरस्टैंड सेकंड ही गिव्स एग्जाम्पल ऑफ हिज मदर दादा एंड हैड मास्टर एंड सेज दट दे हैव मोर लाइफ एक्सपीरियंस दैन अस फ्रॉम ऑल दिस वी केन अंडरस्टैंड दैट बड़े भाई हैड मोर नॉलेज अबाउट लाइफ दैन छोटा भाई नेक्स्ट भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है भीतर मीन्स इन साइड सो इन साइड बड़े भाई ऑल्सो देर इज़ अ चाइल्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ लेसन कैन यू से दैट जब भाई साहब ने कटी पतंग देखी तो लंबे होने की वजह से उन्होंने उछाल कर डोर पकड़ ली और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़े ये दर्शाता है कि बड़े भाई साहब अंदर के अंदर भी बच्चा है सो so, When Barebhai saw the patang, you know, flying towards him, kite, you can see that at the end of the chapter, this is how it ends. So, since Barebhai was lamba, he was, you know, a tall person. He he catches its door means, you know, that thread that uh, hangs below the kite. He catches it and he runs. Okay. So from that, uh, you know, this hostel ki or towards the hostel he runs. So from that, darshata hai means this shows, this denotes or this depicts that. But inside bade bhai also, there is a child. Last one. Bhai saab chote bhai ka bhala chahte hain. That bade bhai wishes good. Bhala means good for small, small brother, younger brother. From where can you say that? भाई साहब हर समय छोटे भाई को पढ़ने के लिए कहते हैं फुल टाइम बड़ा भाई सेज छोटा भाई दैट यू हैव टू स्टडी समय समय व्यर्थ करने पर डांटते हैं व्यर्थ मीन्स टू वेस्ट वेन नेवर छोटा भाई वेस्ट हिस्स टाइम बड़े भाई डांटते हैं ही स्कोल्स और चाहते हैं कि वह कभी गलत रास्ते पर ना जाए एंड बड़े भाई विशेज दैट छोटा भाई शुड नेवर गो ऑन रॉन्ग पाथ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पार्ट So I hope you understood, understood the entire chapter. I didn't actually plan to make it into two parts or something. I had to stop the first one. So I have taken the second one here. Now if you have any doubt, please ask me and I'll be clearing them. Thank you so much for all the support you give me and uh, for my channel. And uh, yeah, it has reached uh, 3k right now. and I hope and pray that you know, I keep helping you all in the same way. And that my channel also grows, and uh, more people can take uh, help out of this channel. More and more people, you people, also, all my viewers, whoever are there uh, at present, please do share my channel so that uh, everyone can take advantage of this channel. So, yeah, keep supporting. Bye bye.